दिवाली नजदीक है और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वो जो लोग अपने घर में पूजा पाठ करेंगे वो किस समय कर पाएंगे, दिवाली में शुभ समय पूजा के लिए क्या होगा, कोई नई चीज खरीदने के लिए शुभ समय क्या होगा, और भी तरह के जो तमाम सवाल इस समय लोगों के अंदर दिवाली के त्योहार को लेकर है, उन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर आज हम दिल्ली के मशहूर जाने माने हनुमान के प्राचीन मंदिर में पहुंचे हैं और हमारे साथ अनुमा शर्मा जी मौजूद है। बात करेंगे इनसे या आपको सारी जानकारी साझा करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैम दिवाली को लेकर क्या कहेंगे, एक शुभ समय क्या होगा पूजा करने के लिए और किस तरह से लोग अपने घर में पूजा कर सकते हैं? दिवाली का जो 31 तारीख से लेकर 3 बजे से लेकर और 1 तारीख को 5:45 तक का टाइम है। हाँ जी, जो लोग अपने घर में पूजा करना चाहते हैं वो किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं पूजा की? वैसे तो खैर पूरा ही दिन दिवाली का तो किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मोस्टली लोग काम वाले होते हैं वो लोग जैसे रात की दिवाली अच्छा मानते हैं, बिजनेस वाले लोग हैं तो उनके लिए 31 तारीख को शाम से, बाकी पूरा दिन दिवाली का है तो अगला दिन भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम शुभ है। जो हमारी मंदिर है प्राचीन हनुमान मंदिर, ये इसको बहुत मान्यता है पूरे देश में और दिल्ली में, तो इस मंदिर में किस समय पूजा होगी, आरती किस समय होगी? इस समय आरती तो वैसे रोज ही होती है, लेकिन वो 31 को भी होगी और 1 को भी होगी, दोनों पूरा दिन चलेगा। जैसे 31 3 से लेकर दिवाली का पूरा जो भी है मतलब कार्यक्रम पूजा का वो 1 तारीख तक शाम तक। कि आपने देखा दिवाली को लेकर जो इस समय शुभ समय बताया जा रहा है वो शाम का बताया जा रहा है, अगर आपको अपने घर में पूजा पाठ करें तो आप शाम के समय पर कर सकते हैं, और वैसे तो पूरे दिन दिवाली का जो मुहूर्त रहेगा वो पूरे दिन उनका दिन दिवाली के दिन शुभ माना गया है। आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। और बाकी इस समय हम मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ तमाम भक्त मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भगवान हनुमान बजरंग बली की आराधना करने के लिए जनता मौजूद है। उस तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ आप देखेंगे तस्वीरों में तो वहाँ पर हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति बताई जाती है, जिसके अभी वहाँ पर भोग लग रहे हैं, सुबह का प्रसाद चढ़ रहा है, और बाकी जो मंदिर में आरती का समय है वो भी शाम का बताया गया कि शाम के समय हनुमान मंदिर में भी दिवाली की आरती होगी। बाकी दिवाली का त्यौहार जिस तरह से जोरों शोरों से मनाया जाता है पूरे देश में, उसकी आप सजावट साफ तौर पे मंदिर में देख सकते हैं, मंदिर को कितनी खूबसूरती से दिवाली के लिए सजाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दी, जो सजावट मंदिर में आप देख रहे हैं ये कुछ दिनों पहले हो चुकी थी, इस समय दिवाली को लेकर पूरे मंदिर में जो है अच्छे से तैयारियाँ हो चुकी हैं। और इसी तरह की जो जानकारी इस समय दिवाली को लेकर आ रही है कि समय क्या है और जो भी तिथि है क्या आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी अभी अनुपम जी ने आपसे साझा की है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए पंजाब केसरी में, कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी राणा पंजाब केसरी दिल्ली।